नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा बहुत पाया गया है कि हम अपने फेस का तो बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन बाहर से हम उसको लगाकर अच्छा तो बना लेते हैं, लेकिन इंटरनल क्लीनिंग का क्या? अगर आपकी बॉडी एक्सटर्नली अच्छी दिख रही है तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हमारी इंटरनल क्लीनिंग। बाहरी तौर पे हम कुछ देर के लिए अपना चेहरा चमका सकते हैं, अपनी बॉडी को जो है चमका सकते हैं, लेकिन इंटरनल क्लीनिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो हमारी जो है स्किन बैक टू नॉर्मल आ जाएगी जैसे पहले थी। अगर आप अपनी स्किन को अंदर और बाहर दोनों तरह से अच्छा करना चाहते हैं तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो है इंटरनल क्लीनिंग की बात हो रही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ड्रिंक लेकर आई हूँ, जिसे आप ब्यूटी ड्रिंक कह सकते हैं, इंटरनल क्लीनिंग ड्रिंक कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, बट ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपकी पूरी बॉडी पर काम करेगी, यानी कि आपकी होल बॉडी की जो स्किन है उस पर बहुत अच्छे से वर्क करेगी, आपके ब्लड को क्लीन करेगी। अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक है तो उसे थिन करेगी, यानी आपका खून पतला करेगी, साथ ही साथ ये आपकी बॉडी को जो है वाइटन करेगी, लाइटन करेगी, ग्लोइंग बनाएगी, और उसके साथ साथ जो है आपके जो फ्री रेडिकल्स की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक करेगी। ड्रिंक बनाना बहुत आसान है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, पर काम बहुत अच्छे से करेगी। और अगर आप इस ड्रिंक को जो है रेगुलरली लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, और कुछ ही दिनों में आपको जो है इसके रिजल्ट्स जो है विजिबल रिजल्ट्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं आज की ड्रिंक। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्लास के अराउंड पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद जो आपका पहला इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ। सौंफ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। सौंफ एक फ्रेशनर का काम, माउथ फ्रेशनर का काम तो बहुत अच्छे से करती है, डाइजेशन को ठीक करती है, साथ ही साथ जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, हमारा जो खून होता है वो अगर नहीं बनता है तो उसे बनाना स्टार्ट करती है, साथ ही साथ जो है आपके ब्लड को क्लीन भी करती है। तो सौंफ बहुत अच्छी है हमारी बॉडी के लिए। तो आपको यहाँ पर एक चम्मच के बराबर सौंफ ले लेनी है। सौंफ लेने के बाद जो हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है लौंग। आपको यहाँ पर दो लौंग चाहिए, दो से ज़्यादा लौंग मत लीजिएगा। अगर दो आपको ज़्यादा लग रही हैं तो आप एक भी ले सकते हैं, एक से भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि लौंग की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो इसलिए आप ज़्यादा लौंग का यूज़ मत करिएगा। दो जो है दो इनफ होंगी, दो लौंग इनफ होंगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, लौंग जो है, लौंग के तो इतने फ़ायदे हैं कि क्या ही बताएं। लौंग का जो मेन काम होता है वो है हमारे ब्लड को क्लीन करना, हमारे टॉक्सिन्स जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको निकाल कर बाहर करना। लौंग लेने के बाद जो आपका थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है एक इलायची आपको लेनी है। इलायची आपको जो है छिलके के साथ ही लेनी है, और जैसे मैं वीडियो में यहाँ पर दिखा रही हूँ वैसे ही आपको डाल देनी है। डालने के बाद इलायची हमारी बॉडी के लिए भी उतनी ही अच्छी है जितने के बाकी दो इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये तीनों मिलेंगे, जब एक साथ मिल जाएंगे तो आपकी बॉडी पर जो है बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। तो अगर आपकी इंटरनल क्लीनिंग अच्छी होगी तो बाहर तो आपको ग्लो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ आपके जो सेल्स हैं वो बहुत अच्छे से रिजुनेवेट होंगे। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आपको क्या करना है, इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपको जो है इतना बॉईल करना है कि एक ग्लास पानी जो है आधा ग्लास के बराबर हो जाए, उतनी देर तक आपको इसे अच्छे से बॉईल देना है। जैसे जैसे आप बॉयल देंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो भी इसकी अच्छी गुडनेस है, जो भी इसकी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पानी में आ जाएंगी। और आने के बाद आपको क्या करना है, इसे ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपको इसे जो है स्ट्रेन कर लेना है ग्लास में, और आपको इसे गरम गरम नहीं पीना है। आपको इसे थोड़ा, अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको उतना गर्म नहीं पीना है, जब ये हल्का सा लाइट गुनगुना हो जाए तब आप इसे पीजिए, और सिप सिप करके आपको पीना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि अगर आप कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं ना तो उसे सिप करके पीना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक सांस में उसे पीते हैं ना
तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, साथ ही साथ वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी। अगर आप एक एक सिप लेकर पियेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी पर, बॉडी के अंदर तक जाएगी, साथ ही साथ क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करती है। अब आप पूछेंगे ये ब्यूटी ड्रिंक आपको कब कब तक लेनी है, कितने दिन तक लेनी है और कैसे लेनी है। तो आप इसे एम्प्टी स्टमक लेना स्टार्ट कर दीजिए। मॉर्निंग में जो आप पहला पानी पीते हैं वही इसे पीना स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ आप अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट करिए। जो है अगर आप खाली पेट किसी चीज़ को लेते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। अगर आप चाहें तो आप इसे जो है शाम में भी पी सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट अगर एम्प्टी स्टमक पियेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि एम्प्टी स्टमक जो आप चीज़ पियेंगे उससे आपकी बॉडी की जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बाहर आ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि इसे एम्प्टी स्टमक लीजिए। लेने के बाद अगर आप ये पूछेंगे कि आपको कितने दिन तक लेना है, तो अगर आप 15 दिन तक आपको कंटिन्यूस लेना पड़ेगा इसे। 15 दिन के बाद आपको जो है थोड़ा थोड़ा रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इसे 1 महीने तक कंटिन्यू करेंगे। 1 महीने के बाद आप जो है इसमें एक थोड़ा सा गैप देंगे, लाइक 1 हफ्ते का आपने गैप दिया, उसके बाद आप इसे वापस से रीस्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज़ जो है कंटिन्यूस नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा चेंज करके लेना चाहिए, तो हमें जो है दूसरी चीज़ों के भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये ड्रिंक आपको 1 महीने तक कंटिन्यूस लेनी है। 1 महीने के बाद आपको थोड़ा सा गैप लेना है। गैप में आप चाहें तो गुनगुना पानी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें आप जो है 1 चम्मच के बराबर शहद भी डाल सकते हैं, अगर आप शहद के लिए कंफर्टेबल हैं। और अगर आपको इसका टेस्ट इतना अच्छा ना लगे तो आप इसमें 1 चम्मच के बराबर शहद डाल लीजिए, और शहद डालने के बाद आप इसे ले सकते हैं। और अगर आप जो है डायबिटिक हैं या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है और आप जो है शुगर कंटेंट नहीं ले सकते हैं तो इसमें शहद मत डालिए, ऐसे पीजिए। मैं इसे ऐसे पीना पसंद करती हूँ, मुझे इसके टेस्ट से इतना खास प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 1 चम्मच के बराबर शहद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्ते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।